मुख्यमंत्री दे कुछ साथियों ने करनाल पहुंचना सी जिन्हों का विरोध करने लिए सारे इलाके के किसान इकट्ठे हुए सन और शांतमई इकट्ठे हुए किसानों ते पुलिस ने इस जिस तरह अन्ना लाठीचार्ज किया और पांच बार लाठीचार्ज किया उसकी जिनी निंदा की जाए थोड़ी है। और इस लाठीचार्ज करने का हुक्म देने वाले SDM करनाल जिसने कहा कि किसानों के सिर फोड़ दो और किसी की लत बांह तोड़े बिना ना जान दो इदा के हुक्म देने वाले किसान SDM के विरुद्ध जेकर कोई सरकार ने कार्रवाई ना की उसको डिसमिस ना किया तो वो खिलाफ इदा का हुक्म गलत हुक्म देने का मुकदमा ना बनाया तो किसान जथेबंदियां उसका पिछा नहीं छड़नगियां। और इस वेले सारे हरियाणे दे टोल प्लाजे ते सड़क सारे हरियाणे दियां सड़कों उत्ते किसानों ने जाम ला दिते हन। जदों तक किसानों नूं वापस उन्हां दे कैंप विच नहीं भेजा जांदा उदों तक इह जाम जारी रहेगा। इस तरह पंजाब विच भी अज जलियांवाले बाग बाग दे उत्ते जिहनूं प्राइवेट हत्थां च दे दित्ता गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उहदा उद्घाटन करना सी उहदा विरोध करन गए किसानों उत्ते अमृतसर की पुलिस ने धक्का मुक्की ही नहीं की अन्ना लाठीचार्ज भी किया बहुत सारे किसानों नूं गिरफ्तार करके पुलिस थाने लै गई इहदी भी जिनी निंदा की जाए थोड़ी है। तो जदों तक किसान उत्थे दे भी पंजाब के किसान नहीं छड़े जाते पुलिस कस्टडी चो उदों तक उत्थे भी अंदोलन तेज रहेगा। किसानों नूं अपील की जाती है कि जदों तक हरियाणे के किसान वापस नहीं आते घरां नूं उदों तक आपो अपने टोल प्लाजे जिहड़े ने उन्होंने बंद रखा जाए ट्रैफिक जाम किया जाए दफ्तर का जिहड़ा टोल प्लाजा उन्हें भी बंद कर दिता जाए। और मेरी अपील है किसानों एक कि जिन्ना मर्जी सरकार तशद्दुद करे शांतमई रहना इस मोर्चे की शक्ति रही है इनू शांतमई तरीके पुलिस तशद्दुद नू भी बर्दाश्त करना है। एक बहुत वड्डी तुहाडी कुर्बानी होएगी जे तशद्दुद सह के भी तुसी शांतमई रहिंदे हो और अंदोलन अगे वधदा सारी दुनिया विच मोदी का सिर नीवां होएगा। और मैं वार्निंग दिना मोदी सरकार नू कल 10 बजे SKM की मीटिंग होएगी उस विच अगले कदम का फैसला किया जाएगा तो यह ना होए कि सारे देश विच अंदोलन बुरी तरह फैल जाए तो सारे देश के लोगों सड़कों पर आना पै जाए।